जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। अभी अभी आपका बीपीएससी ने 69th बीपीएससी का आपका वैकेंसी रिलीज किया है, यानी आपका 69th बीपीएससी का वैकेंसी आ चुका है और इसका अब फॉर्म अप्लाई डेट भी आ गया है और आपका इसका एग्जाम डेट भी घोषित हो चुका है। यानी आपको जो 69th बीपीएससी होंगे इसी के साथ आपका CDPO का भी एग्ज़ाम होंगे और जो भी एक दो एग्ज़ाम है आपका बीपीएससी जो लेते हैं इसका भी एग्ज़ाम इसके साथ ही होंगे। तो आपको पता है ये आपका कंबाइंड एग्ज़ाम होगा जो आपका 69th बीपीएससी के साथ सभी एग्जाम होंगे। तो चलिए आपको देखते हैं इसमें कि यानी 69th बीपीएससी में कितने वैकेंसी दिया है। तो आप अगर देखिए आपका मात्र 235 वैकेंसी आपको इस बार आया है, यानी आपका 69th बीपीएससी में मात्र 235 वैकेंसी है। इसके साथ आपका CDPO का भी वैकेंसी दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका CDPO का भी वैकेंसी दिया है क्योंकि आपका दोनों का पेपर आपका एक ही साथ होंगे। आप देख सकते हैं आपका देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि देखिए परीक्षा नेम और आपका जो 69th बीपीएससी है इसके लिए आपका स्नातक उसके बराबर आपका क्या होना चाहिए डिग्री होना चाहिए और आपका बाल विकास के लिए क्या होना चाहिए बाल विकास पदाधिकारी यानी आपका CDPO बनने के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये भी आपको दिया है। तो आप देख सकते हैं आगे चलिए देखते हैं हम आपका आगे देखते हैं कि इसका यानी अप्लाई का डेट कब से है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका देखिए फॉर्म जो आपका आवेदन जो स्टार्ट होगा ये आपका होगा 15/7/2023 यानी 15 जुलाई से। कब से होगा आपका यानी 15 जुलाई से ये फॉर्म अप्लाई होना आपका स्टार्ट होंगे और आपका कब तक होगा तो ये आपका 5 अगस्त तक ये आपका फॉर्म अप्लाई होंगे। 5 अगस्त तक ये फॉर्म आपका अप्लाई होंगे तो इस डेट में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके यानी एक ही साथ आपका सभी फॉर्म अप्लाई होंगे यानी CDPO का और आपका 69th बीपीएससी का इन दोनों का फॉर्म जो होंगे आपको एक ही साथ अप्लाई होंगे ये आपको पता रहना चाहिए। आपका इसमें सिलेबस भी दिया है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया है। आप देख सकते हैं आपका देखिए ये आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न है जो आपका इसका मेंस के लेकिन ये आपका यानी हिंदी के सामान्य हिंदी कितना होगा मेंस में 100 मार्क का जिसमें आपका 30 मार्क लाना अनिवार्य है और आपका देखिए सामान्य अध्ययन होता है यानी पेपर टू वो आपका 300 मार्क होते हैं यानी बीपीएससी में और आपका जो सामान्य अध्ययन पेपर टू होते हैं सॉरी इसका यानी पेपर थ्री होते हैं जो उससे 300 मार्क होते हैं और आपका निबंध भी 300 मार्क का होता है। ये आपका है मेंस का सिलेबस है किसका 69th बीपीएससी का। इसी तरह आपका यहाँ देखिए यहाँ भी आपका CDPO का भी आपका मेंस का सिलेबस दिया है एग्जाम पैटर्न आपको दिया है। तो CDPO में आपका अलग से मेंस होगा लेकिन सभी का आपका PT एक ही साथ होंगे लेकिन आपका इसका मेंस अलग अलग होंगे। ये आपका मेंस का सभी का आपका एग्जाम पैटर्न दिया किसका मेंस किस तरह से होंगे लेकिन आपका PT सबका कॉमन होगा यानी PT एक ही होंगे उसी के आधार पर को अलग अलग यानी अलग अलग में आपका मेंस अलग अलग होगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन भी होगा यानी PT आपका सेम होंगे लेकिन आपका मेंस अलग अलग होंगे यानी PT सेम होगा तो कटअप भी आपका अलग सॉरी PT सेम होगा लेकिन कटअप अलग अलग होगा। ध्यान रखिएगा 69th बीपीएससी का आपका कटअप अलग होंगे और आपका CDPO के लिए कटअप अलग होंगे और आपका FAO के लिए इसका भी कटअप आपका अलग होंगे तो सबका आपका कटअप अलग अलग आएंगे। ठीक है अब देखिए आपका फी क्या दिया है आपका सामान्य वर्ग के लिए आपका कितना दिया है तो 600 रुपया इसमें फी लगेंगे और आपका जो केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति है उसके लिए आपका 150 रुपया लगेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा यानी 69th बीपीएससी या CDPO और FAO के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये लगेंगे यानी अलग अलग लगेंगे आपका 200 रुपया बायोमेट्रिक का यानी इसमें भी आपको बायोमेट्रिक पहले लिया जाएगा। तो ये आपका यानी इस बार आपका कंबाइंड एग्जाम होंगे CDPO और आपका 69th बीपीएससी का। इसमें आपका सिलेबस दिया है आपको देख सकते हैं इसमें सिलेबस भी दिया है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया है तो आप इसका यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 69th बीपीएससी के तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत कम है। आपका वैकेंसी जब आ गया तो आपको अभी से लग जाना चाहिए यानी इसका जो एग्ज़ाम डेट आपका है वो आपका समय इस एग्ज़ाम यानी समय पर ही होगा क्योंकि आपका वैकेंसी आ चुका है। तो जब वैकेंसी आपका दे दिया है यानी इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका समय पर ही होगा तो आप अभी से क्या कीजिए 69th बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। आपके लिए हम 69th बीपीएससी का आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे यानी आपका जो 69th बीपीएससी का जो आपका आस्था IAS का
यानी आस्था आईएएस का जो आपका प्रैक्टिस सेट होंगे इसी हम लेकर आएंगे। आस्था आईएएस का हो गया आपका, परफेक्शन आईएएस का हुआ इसका भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, आपका एडुटेरिया का हुआ इसका भी आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। यानी आपका जितने भी आपका यानी कोचिंग संस्थान है जो आपका अच्छे अच्छे बीपीएससी के लिए, सभी का आपको प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर करवाते हैं। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको अभी से लेकर बीपीएससी एग्जाम तक आपके लिए हम हेल्प करते रहेंगे। जो भी हो आपको, आपका करेंट अफेयर हो चाहे आपका बिहार स्पेशल हो, सभी का आपका क्लास यहाँ मिल जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।